तो फाइनली आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अजमेर शरीफ गरीब नवाज के बारगाह पे आलम शरीफ के साथ में चादर शरीफ को और ताज मुबारक को कौन लेकर के आते हैं और इनकी क्या मान्यता है। तो पूरा वीडियो को देखना ताकि समझ में आए। हमें सरदार जी मिल चुके हैं, तो आज हम सरदार जी से जानेंगे कि सरदार जी आज कैसा मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसा लगा उर्स में आकर के आपको। पटाखे फोड़ते हुए यहाँ पर आपको ये देखिए माहौल, देख रहा हूँ पत्थर में कुछ लिखा हुआ है, एक में अल्लाह लिखा है, एक में अली लिखा है, या अली अल मदद। तो ये आपको कहाँ मिला था तबरुक तोहफा? इस दर के खादिम और गुलाम इस दर की दरबानी में है बेशक, गली अजमेर के नूर की नूरानी में है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم गाइस, मैं आपका दोस्त मिश्रा खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का व्लॉग मेरा ये कि जैसे कि आपको पता है अजमेर शरीफ दरगाह का उर्स चल रहा है और यहाँ पर खासी तादाद में जारीन ख्वाजा चादर को लेकर के आ रहे हैं अपने अपने जगह से। तो आज गुजरात वालों की चादर आने वाली है, तो चलो चलते हैं गुजरात वालों की चादर दिखाएंगे और उसके साथ साथ उपलेटा की तरफ से ताज आएगा वो भी दिखाएंगे, राजकोट वालों का आलम आएगा वो दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए। उसके बाद में नागपुर वालों की तरफ से चादर आएगी वो भी दिखाएंगे। और ये हमारा भाई हमें बहुत सपोर्ट करता है, इनका भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं मिस्टर खान और हमेशा हमें अजमेर शरीफ की हर जानकारी बताते हैं और जो आज ताज आएगा उसके बताएंगे। और मिस्टर खान यूट्यूबर को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, हमारा भाई हर दरगाह की वीडियो जाकर बनाता है और आपको पहुंचाता है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप तक वीडियो पहुंचाते हैं हर दरगाह पे जाके। जो कोई दरगाह पे नहीं जा पाता है उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं वो दरगाह की ज्यारत कर सके, मुझे भी सपोर्ट करने के लिए। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, ठीक है? अजमेर शरीफ दरगाह पे हर साल की तरह इस साल भी देखिए, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर चादर शरीफ आ चुकी है। अब ये चादर कहाँ से आई है बताते हैं हम लोग, गुजरात वालों की चादर आ चुकी है हर साल की तरह, गुजराती ना
फिलहाल भी उपलेटा वालों की, गुजरात वालों की चादर यहाँ पर गई। तो आज की बारगाह पे आई है और आज पेश पेश करने जा रहे। देखिए माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, खैरियत है? माशाल्लाह, बहुत खुश हो गया। वीडियो को शेयर करते रहिए। ये देखिए चादर गुजरात वालों की आ गई है। माशाल्लाह, बड़े धूमधाम से यहाँ पे चादर निकालते हैं हर साल की तरह। इस साल भी देखिए पटाखे फोड़ते हुए यहाँ पर आपको, ये देखिए माहौल अजमेर शरीफ का, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माहौल है। चादर आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी चादर है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे गुजरात वाले भाई लोग चादर को लेकर के आए। देखिए सुभान अल्लाह, देखिए
दर्द आए जी। आइए आप लोग, ये जो धमाल करते हो ये क्या कहते हैं इसको? ये इसको रक्स कहते हैं। गरीब नवाज का जो उर्स है उसकी खुशी मनाई जाती है, ये रक्स है। अच्छा, रक्स कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग गुजरात से हैं, गुजरात राजकोट जयपुर से। तो कितने समय से चादर लेके आ रहे हो आप लोग? हम ये इंशाल्लाह 10-11 साल से चादर लेके आ रहे हैं। आगे कुछ नया करने का क्या इरादा है जी? आगे कितना नया कुछ करेंगे आप? आगे तो जैसा गरीब नवाज का हुक्म है, गरीब नवाज बुलाते रहेंगे, साल से साल आते रहेंगे और इसी तरीके से उर्स मनाते रहेंगे। कितने आदमी की टीम है आप लोगों की? हमारी लोगों की 100-150 लोगों की टीम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा तुम्हारा? चादर आती है दरबार गरीब नवाज में पेश होने के लिए। देखिए खासी तादाद में जारीर ख्वाजा आए हुए हैं और आज बड़े धूमधाम से यहाँ पर गरीब नवाज के बारगाह पे चादर को लेके जाते हैं। और ये देखिए चादर को पेश करने के लिए लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्यारी चादर को लेकर के आए। देखिए नजर मारोगे ना अजमेर शरीफ में, आपको जगह जगह कुछ इस तरीके से लंगर आम आपको मिलेगा माशाल्लाह, जो जारी ने ख्वाजा को इस तरीके से तकसीम किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आप लोग? गुजरात पोरबंदर। अरे माशाल्लाह, तो गुजरात वाले तो लंगर भी करा रहे हैं, बैठा के खिला भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, क्या बात है। तो ये कितने समय से करते हैं वहाँ आप? वो तो बहुत 12-13 साल हो गया। 12-13 साल से, तो मतलब इसी तरीके से लंगर आम करते हैं, करते रहेंगे, करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाम क्या होगा आपका? फिरोज खान। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। हर साल की तरह इस साल भी अजमेर शरीफ गरीब नवाज की बारगाह पे, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर साल की तरह इस साल भी हमारे अजमेर शरीफ दरगाह में गुजरात वालों की तरफ से चादर आ चुकी है। अली मौला।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचतन पाक के साथ में यानी आलम के साथ में यहाँ पर चादर को लेकर के आते हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत जा रहे थे जहाँ पे हमें सरदार जी मिल चुके हैं। तो आज हम सरदार जी से जानेंगे कि सरदार जी आज कैसा मैसेज क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसा लगा उर्स में आकर के आपको? बहुत अच्छा लगा और भैया साहब का जो पैगाम है जी हर बंदे तक पहुंचा जी कि देश में अमन और अमन अमान का पूरा ख्याल शांति बनी रहे जी। और जी देश के जो लोग हैं हाँ। किसी के अंदर कोई भी गलत फहमी वाली बात नहीं है। भेदभाव को भी ख्वाजा साहब ने खत्म किया है जी। कि कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं हाँ। और कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं कोई जाति धर्म नहीं सब धर्म एक बराबर है जी। और जहाँ भी कहीं अगर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है पूरा देश चाहता है और सब चाहते हैं कि अमन और शांति बन रहे हैं। कुल दो चार ऐसे आसामिक तत्व हैं जिनको भी इस काम में मजा आता है और वो अपना काम करते रहेंगे लेकिन अपने ख्वाजा साहब के बताए रास्ते में चलना है। इंशाल्लाह रहमान कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब भाई बहन एक हैं। क्या बात है। तो आप कहाँ से हैं? जबलपुर मध्य प्रदेश जी। मेरे साथ ये सब बच्चे आए हुए हैं ये बच्चे बाहर भी खड़े हुए हैं अपने। अच्छा ये सारे आप लोगों के बच्चे हैं। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? करीब 15 लोगों की टीम है। कितने समय से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर? मतलब ये बच्चे हैं अभी जी। मैं 784 में उससे आ रहा हूँ। 784 उससे से आ रहे हैं हाँ जी। यानी लगा लो 10 से 15 साल। अभी 812 है मेरे भाई। 784 28 साल से आ रहे हैं। 28 साल से दरबार गरीब नवाज में आ रहे हैं। क्या क्या पेश करते हो दरबार में आप मोहब्बत में? सर अपनी मोहब्बत पेश करते हैं और उनकी मोहब्बत लेके जाते हैं यहाँ से। क्या बात है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? कमलजीत सिंह टिडू जग्गी जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है आप क्या कहना चाहोगे अजमेर शरीफ के लिए? बहुत बढ़िया सरकार गरीब नवाज के मैं 12 साल से आ रहा हूँ जी। यहाँ जितने बार आओ दिल भरता ही नहीं है बस आते रहो ऐसा लगता बस यहीं दर है। क्या बात है। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे भाई हैं। भाई क्या कहना चाहोगे कौन कौन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर ना पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं जी। और एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है सरकार से जिस दर पे आता है वो कभी कोई खाली नहीं जाता है। हिंदुस्तान के बादशाह बैठे हुए जी। बस यही कहना चाहते हैं सारे बहन भाइयों को एक ही पैगाम देना चाहता है कि यहाँ से जो पैगाम जाता है मोहब्बत का भाईचारे का पैगाम जाता है। ये एरिया का नाम क्या है? अमीन खान कमानी गेट दरगाह बाजार जन्ना होटल के पास। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जबलपुर में रहता हूँ जी। मैं बाबा ताज का चाहने वाला हूँ। क्या बात है। यहाँ पर मैं जो आता हूँ बाबा ताज के थ्रू आता हूँ जी। उनका कहना है कि तेरे को यहाँ पर हर साल जाना है जी। हर हाल में जाना है जी। और इंशाल्लाह रहमान में बाकायदा पूरी कोशिश है जब तक मेरी जान में जान है मैं यहाँ आता रहूंगा। बस मेरे को सरकार का बुलावा होता रहे मेरी तो ललक है आने की और उनकी मर्जी होनी चाहिए बुलाने की। क्या बात है सुभान अल्लाह। फैमिली से आते हैं? पूरी फैमिली के साथ? ये मेरी फैमिली है पूरी। अच्छा पूरा भारत फैमिली। पूरी फैमिली है मेरी पूरी। मैं अपने परिवार जो घर में है ना वो घर में है जो यहाँ आया वो परिवार है। अच्छा क्या मैसेज होगा?
बस सब आपस में शांति बनाए रखें और एक दूसरे को बाकायदा जो एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना सीखें और सब एक दूसरे को पूरी इज्जत दें। यू रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हक मुईन, हक मुईन, बाबा ताज, बाबा ताज, हक मुईन, हक मुईन, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, जिंदगी राजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ख्वाजा सर। अच्छा तो देखिए, माशाल्लाह गरीब नवाज के चाहने वाले हर जगह मौजूद है। ये हमारी बाजी है जो कि बिहार से आई है, हमारी पूरी वीडियो को देखती है, इनका तहे दिल से शुक्रिया। हाँ, कि माहौल कैसा है यहाँ पर भाई? कई ट्रेनों में आप जाने में मत ये करना। क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा लगा माहौल? तो मतलब मेरे ब्लॉग देख के आए आप? सकते हो, मैं अजमेर के गलियों में भटक रहा था, घूम रहा था, जो भी आप कह सकते हो, उर्स का माहौल चल रहा है। और उर्स के माहौल पे आप देख सकते हो हमारे चाचा जान की दुकान है, बहुत पुरानी कदीमी दुकान है माशाल्लाह, जहाँ पर हर तरीके का आप लोगों को तबर्रुक मिल जाएगा माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे वाह वाह, ये कासा तो मैंने देखा था कहीं पर, पहली बार नजर पड़ी है। हाँ, दादा। तो हजरत ये बताइए आपकी दुकान में क्या क्या मिल जाएगा? हाँ, लोभान है, अतर है, अगरबत्ती है जी, अमरीकासा है, चांदी की छड़ी है। अरे चांदी की छड़ी भी है? हाँ, सुभान अल्लाह। फूल गली है, अतर का सामान है। हाजी साहब, तो आपके पास कहाँ कहाँ का सामान आपके पास मिल जाएगा तबर्रुक के तौर पर अजमेर के? हर चीज जी, हर चीज, अतर से लेकर अंगूठी तक, अंगूठी से लेकर लोभान तक, हर चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह। मतलब एक दुकान में अनेक काम, अनेक काम। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। तो बाबा क्या कहना चाहोगे आज नूरानी गलियों के बारे में? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस दर के खादिम और गुलाम इस दर की दरबानी में है, बेशक गलियां अजमेर की नूर की नूरानी में है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। इससे बेहतर क्या बोलेंगे, मेरे आका का करम है, फैजो करम तमाम आलम इस्लाम का भरा रहे। बेशक रहे। मैं देख रहा हूँ पत्थर में कुछ लिखा हुआ है, एक में अल्लाह लिखा है, एक में अली लिखा है, या अली अल मदद। तो ये आपको कहाँ मिला तबर्रुक तोहफा? किसी ने तोहफे में दिया था, आज से 30 साल पहले, आज तक संभाल के रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मैसेज क्या अजमेर शरीफ के लिए, लोगों के लिए जो आना चाह रहे हैं? तमाम आलम इस्लाम का बोल बाला अता फरमा और इनके दर से सब खैरियत से आए, खैरियत से जाए। ये हमारे भाई है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आइए ये देखिए, सलाम अलैकुम। ये देखिए माशाल्लाह, हमारे कहाँ से आप? गुजराती छे? तो मारे तो गुजराती बहु सारू खबर पड़े छे, गुजरात के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और गरीब नवाज में बहुत तोहफे पेश करते हैं। 30 साल से उर्स में आ रहा हूँ। क्या बात है, इतने तोहफे पेश करते हैं, ताज हो, चादर हो, अलम हो, सब पेश करते हैं माशाल्लाह। और ये हमारे भाई सब्सक्राइबर हमें मिल गए, कहाँ से आप? बम्बई से माशाल्लाह, हमारी वीडियो देखते हैं, 3 से 4 साल से मुझे फॉलो करते हैं और आज आज मुलाकात हो पाई। क्या बात है, ये देखिए भाई बनारस वाले, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइस फाइनली अब मैं पार्ट टू लेकर के आऊँगा, जिसमें किन्नर समाज के लोग खासी तादाद में चादर लेकर के आते हैं। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए। तो वीडियो में नया हो तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो मिलते हैं शुरू भाई, अल्लाह हाफिज़।